उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कस्बा उजारी में राशन डीलर की शिकायत पर पहुंचे क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आनंद प्रभु के सामने ही दबंग राशन डीलर के लोगों ने बयानकर्ताओं के ऊपर बजाए लाठी डंडे व बेल्ट। बताते चले कि जनपद अमरोहा के कस्बा उजारी में राशन डीलर रईस अहमद की शिकायत भाजपा नेता तंवर अरमान अली एवं अयूब मलिक ने जिलाधिकारी से की थी, जिस पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आनंद प्रभु टीम के साथ नगर में जांच के लिए पहुंचे। मोहल्ला सादात स्थित प्राथमिक विद्यालय में जांच कार्य चल रहा था। नागरिक अपने अपने बयान दर्ज करा रहे थे, तभी राशन डीलर रईस अहमद के परिवार के दर्जनों लोग वहां पर पहुंच गए और शिकायत कर रहे लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करने लगे। इस पर शिकायतकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज की। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में गहमा गहमी होने लगी और देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। डीलर पक्ष के दबंगों ने बेल्टें निकालकर शिकायतकर्ताओं पर बजाने शुरू कर दी। आधे घंटे से अधिक दोनों ओर से जमकर मारपीट होती रही। इसी बीच जांच अधिकारियों ने चुपचाप वहां से निकलने में ही गनीमत समझी और वे वहां से निकल गए। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए उजारी से बिलाल बाकरी की रिपोर्ट। आ जाओ, कर दो, हमें क्या दिक्कत है।